subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऑलटेक ट्रक में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अच्छे क्वालिटी वाला शोल्डरिंग आयरन बनाएंगे। तो ये आप घर पर ही बना सकते हैं, वो भी कम पैसों में। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो शोल्डरिंग आयरन हम बनाएंगे, उसके लिए आपको एक इस टाइप का पीवीसी का पाइप ले लेना है। तो यहाँ पर जो मेरा ख़राब शोल्डरिंग आयरन था, तो यहाँ पर मैं उसी पाइप का यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप कॉपर का वायर ले लेना है अच्छी क्वालिटी का। और आपको ले लेना है एक यहाँ पर इंडिकेटर के लिए एक रेजिस्टेंस के साथ LED, और जो कि हमारा इंडिकेटर का काम करेगी। और दोस्तों, यहाँ पर आप एक हीटिंग पाइप ले लेना है। और इसके बाद इसकी दोस्तों ये जो कॉइल है, ये कॉइल ले लेना है आपको। ये आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगी 30 से 40 रुपए की। और दोस्तों, ये भी आपको 10 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं सामान की मदद से हम एक अच्छी क्वालिटी का शोल्डरिंग आयरन बनाएंगे। यहाँ पर जो LED है, ये डायरेक्ट AC का काम करेगी। ये आप देख सकते हैं शोल्डरिंग आयरन है। इसको बनाने के लिए आपको अच्छा वाला जो कॉपर का वायर होता है, वो आपको ले लेना है, जैसा कि मैंने लिया हुआ है। जितने वायर की जो मुझे आवश्यकता है, उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ से सिंपली इसको हमको कर लेना है कट थोड़ा सा, और इसके बाद इसको थोड़ा सा चीर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो वायर है, वो हमने चीर लिया है। और दोस्तों, इसके बाद आपको करना क्या है कि आप इसके पीछे ये रबड़ का जो प्रोटेक्शन होता है, ये आप लगा सकते हैं। दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी शोल्डरिंग आयरन में लगाना है या नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास है, तो मैं लगा देता हूँ। यदि आपके पास ना भी हो, तो दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जो लोकल मार्केट में जो शोल्डरिंग आयरन मिलती है, उसका जो वायर होता है, वो काफ़ी हल्का वायर होता है, जिससे कि वो जल्दी ख़राब हो जाता है और इतना लंबा भी नहीं होता। अब दोस्तों, आपको करना क्या है कि ये जो कॉइल है शोल्डरिंग आयरन की, ये आपको सिंपली दोस्तों इस हीटिंग पाइप के अंदर यहाँ पर इंसर्ट कर देना है, कुछ इस टाइप से। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर इसके जो कनेक्शंस हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो ये जो डायोड है, यहाँ पर आपको एक कनेक्शन करना है, और एक इस वाले पॉइंट पर आपको डायरेक्ट कनेक्शन करना है। जो LED है हमारी, इस LED के अंदर आपको इस टाइप की एक PVC का टुकड़ा लगा देना है, ताकि ये आपस में शॉर्टिंग ना हो पाए। दोस्तों, इसके बाद जो वायर है, वो पहले आपको शोल्डरिंग कर लेना है। और दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा, यहाँ पर आपको आपका जो प्लास हो या फिर कटर हो, उससे इसको हल्का सा दबा देना है, ताकि इसकी जो रोड है वो निकले नहीं। तो ये जो कॉइल है, इसका कनेक्शन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका जो वायर है, वो इतना रहेगा, और इसके बीच में यहाँ पर आपको एक गठान बांध देना है कुछ इस टाइप से, ताकि ये जो वायर है, ये खिंच कर निकले नहीं। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर एक गठान बांध देना है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद चलिए इसको वापस से थोड़ा बाहर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो शोल्डरिंग है, वो हम कर लेते हैं इसके वायर की। तो कुछ इस टाइप से आपको कर देना है। तो यहाँ पर जो शोल्डरिंग है, वो आप देख सकते हैं हमने कर दी है। अब दोस्तों, इसके बाद करना क्या है कि ये जो LED है हमारी, सिंपली इसके कनेक्शंस भी आपको कर देना है। तो चलिए, मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डरिंग लगा लेता हूँ इसमें। यहाँ पर जो एक साइड का जो शोल्डरिंग था, वो हमने कर दिया है। चलिए, ऐसे ही इसका जो दूसरे साइड का जो शोल्डरिंग है, वो भी हम कर देते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों साइड जो शोल्डरिंग था वो हमने काफ़ी अच्छे से कर दिया है। अब इसकी सेफ्टी के लिए आप चाहें तो इसमें यहाँ पर टेप रोल भी लगा सकते हैं दोनों साइड में, ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। तो चलिए इसकी सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जो टेप रोल है वो लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो टेप रोल था वो हमने काफ़ी अच्छे से लगा दिया है। और चलिए इसके बाद ये जो इसको हम वापस से इसके अंदर डाल देते हैं कुछ इस टाइप से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसकी फिटिंग है काफ़ी अच्छी आ गई है। तो चलिए यहाँ पर इसके जो स्क्रू हैं वो हम यहाँ पर फिट कर देते हैं कुछ इस टाइप से, आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद इसका जो वायर है वो आपको बराबर कर लेना है यहाँ से, और इसके बाद इस वायर को बीच में से कट करके ये जो प्लिक है, टू पिन है, इसको भी लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वायर्स है इसके बीच में आपको यहाँ पर जो हमारा टेप रोल होता है उसके टुकड़े लगा देने हैं काट के, ताकि ये वायर दोनों चिपके रहें, अलग अलग ना हों। आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना आप नहीं भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इससे थोड़ा जो वायर है वो अच्छा बना रहेगा। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी से जो टेप है वो लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेप है वो हमने लगा के यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब इसका जो वायर है वो हम यहाँ से कट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं। और हमारा जो टू पिन है इसको भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं, और इसके बाद हमारी जो सोल्डरिंग आयरन है इसको हम कर लेते हैं चेक। तो चलिए यहाँ से इसका जो वायर है वो मैं छील लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सोल्डरिंग आयरन है वो हमारा एकदम हो चुका है रेडी बनकर। चलिए अब इसकी जो टेस्टिंग है वो हम कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से लगा देता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी टेस्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर है वो जल चुका है हमारी सोल्डरिंग आयरन का, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शोल्डरिंग आयरन है मेरी वो गर्म हो गई है काफ़ी अच्छे से। तो चलिए यहाँ से हम किसी भी एक, ये पावर सप्लाई है DD फ्री डिस्क की, इसका एक यहाँ पर कंपोनेंट निकाल के देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से जो शोल्डरिंग आयरन है वो वर्क कर रही है हमारी। मैं आपको थोड़ा पास दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसका जो कैपेसिटर है हम ये डीसोल्ड करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखा आपने, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रही है। चलिए एक बार और इसका दूसरा कैपेसिटर निकाल के देख लेते हैं हम। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, तो जो शोल्डरिंग आयरन है दोस्तों काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो शोल्डरिंग आयरन है दोस्तों ये 25 वॉट की है। यदि आपको इससे थोड़ी और भी ज़्यादा वॉट की बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं इजीली। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।